वेलकम टू करियर आज हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं दैट इज मर्चेंडाइजिंग अगर आपको पब्लिक डीलिंग का शौक है ठीक है और आपको प्राइसिंग और सेलिंग एंड बाइंग ये चीज़ें जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं एंड यू आर अ फैन ऑफ रिटेल बिजनेस ठीक है तो इसमें आप आ सकते हो दिस इज़ अ गुड फील्ड फॉर यू टू चूज जिसमें आप क्या करते हो बेसिकली मैं आपको पहले बताती हूँ कि जी मर्चेंटाइजिंग जो है वो है क्या मर्चेंटाइजिंग जो है वो आ, है सेलिंग और बाइंग इस चीज़ के बारे में फिर आपके कंज्यूमर के बारे में है और रिटेल बिज़नेस के बारे में है तो उसमें आपकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस को तो इसकी मैं आपके हूं आपको एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ आएगी उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि मैं जो रिटेल वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसका क्या मतलब है रिटेल एक वर्ड यूज़ होता है मार्केट के लिए और एक यूज़ होता है होल ठीक है होल तो आपको नाम से कब कुछ समझ आ जाएगा कि होल सेल्स अक्सर हम बात भी करते हैं रिटेल की भी बात करते हैं बट होल सेल क्या होता है कि आप बल्क में जो चीज़ें हैं वो एक कैटेगरी चूज़ कर लेते हो और उसको जो है वो आप मार्केट में जाके वो चीज़ें सेल करते हो ठीक है और वो डिफरेंट रिटेलर्स ख़रीदते हैं मतलब होल सेलर्स कम फर्स्ट वो पहले उस प्रोडक्ट जो है वो हैवी क्वांटिटी में रखते हैं स्टोर करते हैं और वो सेल करते हैं और फिर उनसे डिफरेंट रिटेलर्स आते हैं और वो थोड़ी अमाउंट में वही चीज़ ख़रीद के अपनी जगह पे रखते हैं अपनी शॉप पे रखते हैं तो जो रिटेल है इट इज़ अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स ठीक है नॉट स्पेसिफ़िकली वन बट इट कैन बी अ सिंगल वन वो फिर ऐसा हो सकता है कि जी मेकअप से रिलेटेड आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके डेयरी से रिलेटेड हैं तो वो फिर आप कह सकते हो कैटेगरी एक आ जाती है, है लेकिन अगर हम जनरल स्टोर या इस तरह की चीज़ों पर देखा जाए कैश एंड कैरी जैसे होता है उसमें डिफरेंट कैटगरीज uh, होती हैं सारी उसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ़ूड रिलेटेड हों या फिर सिर्फ uh, उनके पास स्टेशनरी हो या इस तरह की चीज़ें उनके पास सारी चीजों की थोड़ी 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 क्वांटिटी होती है उन्होंने कैटेगराइज किया होता है जो कि डेली नीड पे बेस्ड होती हैं चीजें ठीक है कैटेगरीज जो भी होती हैं वो उस पर बेस्ड होती हैं तो रिटेल जो है वो वही चीजें खरीदता है होल से और छोटी क्वांटिटी में ख़रीदता है और अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग और अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग के उनको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है वो ख़रीद के अपने वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और फिर उसको सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारे मोहल्ले की दुकानें हैं जो कियाने की दुकानें हैं या फिर हम जहाँ से जाके डाइपर लेते हैं या जो मेडिकल स्टोर हैं ये सारी जो जगह हैं ये रिटेल में आ जाती हैं इनमें छोटी क्वान्टिट्टी में डायरेक्ट ये सप्लाई करे होते हैं ख़रीदने वाले बंदे को आम आदमी को ठीक है और जो होल सेलर्स होते हैं वो बेचते हैं रिटेल्स को वो उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं सामान जिन्होंने आगे आवाम को डायरेक्ट सेल करना होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कह रिटेल की अब जब मैं बात करूँगी वो क्या है होल की क्या बात है और जो मर्चेंटाइजर है वो दोनों से डायरेक्टली रिलेट करता है मतलब वो उन दोनों में से कैटेगरी कोई भी चूज कर सकता है ही कैन वर्क फॉर अ होल कंपनी या फिर किसी रिटेल के साथ भी वो काम कर सकते हैं तो उसके लिए मर्चेंडाइज़र करता क्या है बेसिकली मर्चेंडाइज़र की जो जॉब होती है इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर आपका जो कंज्यूमर है वो किस तरह की उसको ज़रूरत है अगर आप एक इलाके में जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आ, आपकी शॉप है जी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है सारी ठीक है तो वहाँ पे जो ट्रैफिक होगी वो ऑबली वही होगी कि जिन्होंने उसी से रिलेटेड जो है चीज़ें ख़रीदनी हैं ठीक है अगर आप उस मार्केट में बैठ के बिल्कुल कोई ऑपोजिट चीज़ के लिए लगा दोगे वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स लगा दोगे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बेच रहे हो तो वहाँ पे तो वो ट्रैफिक आ ही नहीं रही वहाँ पे तो वो लोग आ ही नहीं रहे जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें ख़रीदी हैं तो फिर आप वो जो मर्चेंटाइजर का यही काम है कि उसने पहचानना है कि वो किस मार्केट में बैठा है किस जगह में क्या चीज़ देनी है और किस टाइम पर देनी है अब आप कहोगे कि टाइम टाइम जी टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर आप इवन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करो तो आप जब सर्दियों में जाओगे तो आप यू विल फाइंड इन द मार्केट इलेक्ट्रिक गीज़र्स ठीक है स्टोव और इस तरह की जो चीज़ें होंगी और इलेक्ट्रिक हीटर्स ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर स्टॉक में आपको नज़र आएंगी और ये जो मैं अभी स्टॉक की बात कर रही हूँ कि उस टाइम पे ये चीज़ नज़र आएगी और कौन सी नहीं आएगी इसको स्टॉक रोटेशन भी कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी अभी कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप उस, उसको फ्रंट डिस्प्ले पर रखते हो ठीक है और वही अगर आप समर्स में जाओगे तो वो टाइम चेंज हो गया वह प्लेस जगह वही है चीज़ें उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की ही हैं बट उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स वाटर कूलर्स जो ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा आपको नज़र आएंगी उनकी इन्वेंट्री में ठीक है तो ये फ़र्क पड़ जाता है अब ये सारी चीज़ों को पहचानना ये एक मर्जनइज़र का काम होता है फिर उन्होंने ये देखना होता है कि भी आपके जो कंज्यूमर है वो वो है बेशक उसी चीज़ का ठीक है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ही चाहिए या फिर उसको फूड ही चाहिए फूड रिलेटेड आइटम्स ही चाहिए लेकिन फूड रिलेटेड आइटम्स भी इम्पोर्टेड जो खरीदेगा वो कंज्यूमर डिफरेंट होगा और जिसको लोकल चीज़ों की डिमांड है वो कंज्यूमर डिफरेंट होगा उसकी मार्केट और उसकी मार्केट में बहुत फ़र्क होगा तो ये भी आपने पहचानना होता है कि आप जिस मार्केट में बैठे हो वहाँ पे जो कंज्यूमर है उसने चीज़ें उसी कैटेगरी से लेनी है लेकिन उसका ग्रेड कौन सा है और उसमें कैटेगराइजेशन मज़ीद जो है वो किस तरह से बनती जा रही है ये सारी चीज़ें भी जो है ये एक मर्जेंडाइजर देखता है फिर हम बात करते हैं कि अगर आप जब शुरू कर लेते हो इसकी स्टडीज़ आप एक ठीक है आपने इंटर कर लिया है यू हैव डन दैट अगर आपने जाना है आगे कॉलेज में उसको स्पेसिफिक आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके उसे पढ़ना है और उसी फील्ड के लिए तैयारी करनी है कोई कोर्स या डिप्लोमा या डिग्री हासिल करनी है तो उसमें जो आप मोस्ट प्रॉबली जो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे या जिन प्रिंसिपल्स पे आप काम करोगे वो आगे ये हैं जो मैं आपको एग्जांपल दूंगी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है रिटेल प्रिंसिपल्स की बात होती है रिटेल प्रिंसिपल्स और रिटेल की जो आपको डेफिनेशन है वो पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट ही पता होगा आपको नहीं पता चलेगा अब जैसे मैंने मर्चेंडाइज का आपको बताया रिटेल का होलसेल का बताया ना बताती सिर्फ ये टर्म्स यूज़ करती रहती आपको कुछ समझ नहीं आनी थी कि मैं किस चीज़ की एग्जाम्पल किधर जा जोड़ रही हूँ ठीक है तो प्रिंसिपल्स में आता है आपके प्रोडक्ट इन्वेंट्री इन्वेंट्री कहते हैं आप जहाँ पर स्टोर करते हो चीज़ें अपनी सारी वो जो इन्वेंट्री होती है हर किसी की इन्वेंट्री डिफरेंट होगी ठीक है मेडिकल की जो इन्वेंट्री होगी उसमें ऑब्वियसली मेडिकेशंस होंगी मेडिकल टूल्स होंगे इक्विपमेंट्स होंगे और यही अगर स्टेशनरी की बात करोगे उनकी इन्वेंट्री में पेंसिल्स बुक्स और कॉपीज एंड टेप्स एंड ग्लूज एडहेसिवस और इवन आर्ट मटेरियल होगा ठीक है तो आपको इस हवाले से ये समझ आ जाएगा कि इन्वेंट्री में होता क्या है इन्वेंट्री क्या होती है इसको आप सीखते हो प्रिंसिपल्स में फिर आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कि आपने वही बात है जो हमने पहले भी बात की थी कि प्रिंसिपल्स में ही आता है कि आपने किस किस्म का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है उस जगह के लिए उस टाइम के लिए उस और किन लोगों के लिए उसके बाद वहाँ पे फिर आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ये भी आप प्रिंसिपल्स में सीखते हो कि आपने इन्वेंट्री कर लिया अब आपको उसको मैनेज भी करना है जब तक आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसकी में आगे मजीद इसको लिंक करूँगी क्योंकि हमारी आगे जो सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें जो हम पढ़ेंगे ना वो इस चीज से लिंक करती है उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इन्वेंट्री ना सही तरह मैनेज की जाए तो नुकसान कैसे होता है इसके बाद फिर हम बात करते हैं रिटेल मैथ ठीक है अगर आपको आपने इसमें जाना है सो यू हैव टू नो रिटेल मैथ उसमें आपको पता होता है कि आपने जो बाइंग है सेलिंग है प्रॉफिट है लॉस है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर आपने इन्वेंट्री में इतनी क्वांटिटी मंगवा ली है इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना है व्हेन यू सेल दिस इन दिस क्वांटिटी तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा अगर आपने वही चीज़ सेल पे लगा दी है ठीक है आपने सबको कहा है कि जी टेन परसेंट ऑफ है इस आइटम पर फिर आपको उसके दोबारा मैथ करना पड़ेगा आपको उसको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा और हम इतनी हद तक लगाएं उस पर अगर हमें ऑफ डिस्काउंट लगाना है कि हमें ना नुकसान हो ठीक है हम उसमें लॉस में भी ना जाएं और हमारी जो चीज़ है वो भी रोटेट होती रहे हमारी जो चीज़ आप अक्सर देखते हैं अगर आप किसी मार्केट में जाएं तो उन्होंने सर्टेन डिस्काउंट लगाया होता है सिर्फ उन आइटम्स पे जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो करीब होती है तो उसमें क्या होता है कि वो अपना लॉस जो है उस का जो मार्जिन है वो कम से कम करना चाहते हैं कि लोगों ने तो ख़रीदना है तो वो वो लोग खरीदेंगे कि अच्छा हमने अगर ये खरीद लेनी है चॉकलेट है इट विल इट्स बी एक्सपायर्ड इन टेन डेज़ तो उनको पता है कि भी ये टेन डेज़ में एक्सपायर हो रही है बट दे हैव ह्यूज डिस्काउंट ऑन दिस तो अगर मैं ख़रीदूँ और मैं कंज्यूम कर लूँ टाइम के अंदर अंदर देन इट्स बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल मतलब वो जो ले रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और जो बेच रहा है उसका भी फायदा हो जाएगा कि उसकी वो चीज़ लॉस में नहीं जाएगी ठीक है तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको अब देखो ना आपको जब तक रिटल मैथ नहीं आएगा यू कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट दोज थिंग्स और आप उसको प्रोडक्ट नहीं कर पाते हो ठीक है फिर हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही आगे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर आप मैनेज नहीं करते हो या वो जो स्टॉक की आपको बात बताई थी कि आपने सामने डिस्प्ले में कुछ रखा होता है वो क्यों रखा होता है उस टाइम के हिसाब से या उस सीज़न के हिसाब से इसको बोलते हैं स्टॉक रोटेशन ठीक है स्टॉक रोटेशन अगर आप सीजन को निकाल भी दो ठीक है दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके जो सर्दियाँ हैं उसमें अगर आप एक क्लॉथ रिटेल या फैशन रिटेल स्टोर पे जाओगे तो आपको सर्दियों में स्वेटर्स मिलेंगे कार्डिगन्स मिलेंगे आपको वहाँ पे जैकेट्स मिलेंगी पुल ओवर्स मिलेंगे और मतलब तो सारा कुछ मिलेगा ग्लव्स वग़ैरह उसकी रिलेटेड ही सारा सामानों का और अगर आप गर्मियों में जाओगे तो आपको हैट्स मिलेंगी लाइट वेट और जो है एडी कपड़े मिलेंगे ठीक है तो ये चीज़ें जो है ये तो बहुत ऑब्वियस है वट इज़ मोर ऑब्वियस बट नॉट नोटिसबल इज़ कि स्टॉक रोटेशन थ्रू आउट चलती रहती है व्हेन इट कम्स टू कि आपके एक्सपायरी जो हो सकते हैं जो चीज़ें एक्सपायर हो सकती हैं या एक्सपायर इवन इस तरह से नहीं भी हो सकती हैं कपड़े भी होते हैं अगर आप स्टॉक करके उनको एक जगह रखे रखोगे उनको आप नहीं निकालोगे देयर इज़ वेरी हाई चांस कि वो डैमेज हो सकती हैं वो चीज़ें हो सकता है आपने जहाँ पे स्टोर किया हो वहाँ पे चूहे हैं जैसे अगर खाने वाली जगहों पे तो बहुत चीज़ पाई जाती है आम लेकिन जहाँ पे कपड़े भी हों वहाँ पे अगर दीमक है या टिड्डी है टिड्डी कपड़ा खाती है और तो ये चीज़ें अगर हैं तो वो आपका स्टोर तो हुआ हुआ है उसकी आपको मतलब उस तरह के कोई भी एक्सपायरी है लेकिन वो ख़राब हो सकता है तो ये जो स्टॉक रोटेशन होती है ये रिटेल में बहुत मतलब तो होलसेल में भी बहुत मैटर करती है जो चीजें एक्सपायर होने वाली हैं वो आप शेल्फ के सामने रखते हो और जिसमें अभी मार्जिन होता है वो आप पीछे रखते हो ताकि जो भी आ रहा है वो बंदा पहले वो शेल्फ के फ्रंट वाली चीज़ उठाएगा तो वो फिर चीज़ निकलती जाएगी और ये रोटेट होती रहती है चीज़ें तो ये आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीखते हो फिर आप और क्या सीखते हो फोरकास्टिंग डिमांड फोरकास्टिंग डिमांड क्या होता है अब ये ना लफ्ज़ ज़रा अजीब जीब सा आ जाता है लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब बंदों को ही तकरीबन क्लियर होते हैं फ़ोरकास्टिंग डिमांड होती है कि आप फ्यूचर प्रोडक्ट करते हो कि आगे क्या चीज़ चलेगी डिपेंडिंग ऑन जो आपकी पीछे सेल हिस्ट्री है ठीक है अगर आपकी नई भी है हिस्ट्री आपकी दुकान पुरानी नहीं है आपने नया काम भी शुरू करना है तो उसमें आप क्या करते हो कि कर जी आप कंपेटिटर्स को देखते हो अच्छा आप कंपेटिटर्स को देखोगे आपको समझ आएगी कि हमने तो इस तरह की चीज़ बेचनी है ये जो है ठीक है आप एक बेवरेज लगा रहे हो शॉप ठीक है उसमें बेवरेजेस में आप देखते हो कि यार जो कस्टमर्स हैं वो तो देखो सर्दियों में तो इनके बड़े सूप्स और जो है चाय और कॉफ़ी और ये वाली चीज़ें जो हैं वो सेल होती हैं तो इसका मतलब है आप इसमें स्विच कर जाते हो लेकिन जब समर टाइम होता है जब सर गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ पे उनके फिर जूसेज़ और स्मूदीज़ और इस चीज़ों पे फोकस आ जाता है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो ये आपने फ़ोरकास्ट किया फ़ोरकास्टिंग डिमांड है कि आप जब लोगों को दे रहे हो तो किस जगह कौन सी चीज़ की डिमांड होगी और किस टाइम पर होगी ये सारी चीज़ों को आपने सोचना होता है तो या तो ये आप अपनी प्रीवियस सेल की हिस्ट्री जो है उसको देख के प्रोडक्ट करते हो या फिर आप अपने साथ जो कंपटीटर्स हैं उस मार्केट में उनको देख कर प्रोडक्ट करते हो ठीक है फिर आता है ऑर्डरिंग स्ट्रैटेजी ऑर्डरिंग स्ट्रैटेजी में क्या आता है कि बेसिकली आप जब भी किसी चीज़ को ऑर्डर कर रहे हो तो उसकी स्ट्रैटेजीज़ में क्या चीज़ें आ सकती हैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाइपर्स बेच रहे हो ठीक है आपको पता चलता है वो एलेवन एलेवन की सेल आ रही है अगर मैं अभी ये माल वहाँ से किसी बेशक दूसरी कंट्री से मंगवाना है चाइना से मंगवा लूँगा तो मुझे इतने ऑफ मिल जाएगा और ये तो ऐसा माल है भी नहीं कि जो ख़राब हो जाए या कोई ऐसा मसला हो कि ये तो चीज़ ऐसे ही है या चलो आप डिस्पोजेबल बेचते हो डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह बेचते हो तो प्लास्टिक भी नहीं ख़राब होता है उस तरह से इफ़ स्टोरड क्लेवरली तो वो भी आप एकदम मतलब इफ़ यू हैव दैट इन्वेस्टमेंट तो आप वो स्टोर कर लोगे मंगवा लोगे तो ये आपकी एक स्ट्रैटी है ठीक है ये जो आपकी बाइंग स्ट्रेटजी है ये ऑर्डरिंग स्ट्रैटी में आता है क्योंकि वो आप उस चीज़ को भी प्रोडक्ट कर रहे हो एक तरह से आप किस तरह से क्या चीज़ ऑर्डर करते हो उसका आपको पता होना चाहिए वो चीज़ कितने अरसे तक चलेगी वगैरह 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 इसके हमने और भी बारी बाकी चीज़ों को अभी डिस्कस की हैं ठीक है ये आ गया हमारे मेन प्रिंसिपल्स में हमारी इन्वेंट्री की जो मैनेजमेंट है उसमें और फिर हम बात करेंगे आगे जो आप और एक चीज़ सीखते हो वो है विजुअल मर्चेंडाइजिंग विजुअल मर्चेंडाइजिंग आ गई है ठीक है आपने सब कुछ कर दिया ठीक है यू हैव एन इन्वेंट्री आपका सब कुछ सेट है आपके पास प्रोडक्ट है आपके पास कंज्यूमर फिक्स्ड है जिसने आके लेना है एवरी इज़ गुड अगर आप उसको प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं करोगे ठीक है अच्छा चलो हमने डिस्प्ले भी कर दिया एवरी थिंग सीम्स टू बी इन इट्स प्लेस लेकिन फ़र्क क्या है दो दुकानों पे जाते हो दो फ्रूट स्टॉल्स हैं ठीक है थीके? एक रेडी पे आपको मिलते हैं कि जी सारे लगे हुए हैं पता भी चल रहा है रेट भी है और आपके फल भी हैदादा ये सेब ये केला, सब कुछ पता चल रहा है दूसरी जगह पे भी पता चल रहा है दूसरी जगह पे आप देखते हो अक्सर रेडियो में जाते हो तो आपने देखा होता है लाल है ना सेब तो उन्होंने ऊपर लाल बत्ती छोटी सी लगाई होती है कि वो देखने में और अट्रैक्टिव लगे ठीक है उसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करके और थोड़ा विजुअली अपीलिंग बना दोगे जब किसी के लिए तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी वहाँ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ये सारा आता है विजुअल मर्जनाइजिंग पे बाकी सारे रूल्स वगैरह सब चीज़ें हमने दूसरी जगह देखिए जब आप विजुअल पे आते हो तो आपने देखना है कि लोगों को नज़र जो है उसको आपने किस तरह से कैच करना है कि वो आए और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद के लेकर जाए ठीक है तो और स्पेशली ये अगर आप जाते हो ना फैशन मर्जीनाइजिंग में इफ़ यू आर इन फैशन तो उसमें ये चीज़ बहुत काउंट करती है उसमें ये चीज़ क्यों काउंट करती है क्या आपके बहुत से ब्रांड्स हैं ठीक है थीके, वहाँ पे आपको पता है आपको कॉटन मिल रहा है ठीक है आपको यहाँ से भी कॉटन ड्रेस मिल जाएगा आपको यहाँ पे से भी कॉटन ड्रेस मिल जाएगा बट एक जगह पे अगर वो कॉटन ड्रेसेस दे रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट पॉप कल्चर और ब्राइट uh, कलर्स और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जाके आपको बड़े ऐसे समरी कलर्स मिलेंगे और ये कट्स भी वैसे मिलेंगे तो वो जब तक आप को या तो आप जाके पूरी कलेक्शन देखोगे कितने चांसेस हैं कि दस लोग जा रहे हैं वहाँ से गुजर रहे हैं और वो दस के दस नहीं तो चलो आठ या छः अंदर जाके देखेंगे वेरी लो चांसेस तो उसमें क्या होता है वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग के टूल को यूज़ करते हैं फैशन रिटेलर्स जो होते हैं और वो विंडो डिस्प्लेस करते हैं अगर आप अभी सर्च करो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो उनको आप देखो तो दे वर्क रियली हार्ड और वो बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं इस चीज़ में कि उनका जो विजुअल है विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है उनकी बड़ी परफेक्टली हुई हुई हो ताकि वो अपना जो क्लाइंट है उसको फ़ौर टारगेट कर लें ठीक है तो यही जो दूसरी दुकान है अगर इट्स ऑल अबाउट विंटेज और है कॉटन ही सारा लेकिन विंटेज और डीटोन्स और ये चीज़ें तो उनका जो विजुअल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उनका डिस्प्ले जो होगा वो बिल्कुल डिस्प्ले वो डिफरेंट होगा उससे जो कलरफुल ब्राइट और दो है ना दोनों लोग वही काम करें बट उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है तो ये हमने बात कर ली विजुअल मर्जेंजिंग की और फैशन के रेफरेंस से भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग किस तरह से काम करती है तो अगर आप फ़ैशन में जाना चाहते हो फैशन विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो है वो एक अलहदा से सब्जेक्ट है अच्छा आप हमारे सिर्फ चंद कुछ ऐसे टॉपिक्स गए हैं जिसमें आ जाता है कि जी हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये हमने बात तब भी की थी जब हमने आ, बात की थी बिजनेस की तो सप्लाई चेन ऑब्वियसली रिटेल भी एक बिज़नेस होता है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें भी पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि सप्लाई चेन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप कौन सी चीज़ का कब ऑर्डर कर रहे हो कब आ रहा है सप्लाई किस तरह से आ रही है कहाँ से आ रही है कितने रेट पर आ रही है फिर आप उसको डिमांड जो है वो कितनी है और आपने सेल कैसा करना ये सारी चीज़ें उसमें ही हैं फिर आपके पास एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ रिटेल एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी यस रिटेल एथिक्स क्या है ये भी कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं कुछ लॉज होते हैं और हर सोसाइटी के कुछ हद तक डिफरेंट भी हो सकते हैं कि जिसमें कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो ना तो उसका कोई तरीका है उसके कोई एथिक्स हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी बड़ी एक एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ कि दो लोगों ने अगर माल लगाया हुआ ठीक है और एक को अगर बड़ा आप कह लो कि वो सस्ता बेच सकता है और उसका कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है दोनों का माल सेम है तो दूसरा जो है वो इस कदर डिस्काउंट लगा देगा ये जानते हुए भी कि मैं अगर कम बेचूंगा मेरा पूरा तब भी हो जाएगा अगर वो डिस्काउंट करके बेच देगा तो उसका माल ज़्यादा निकल जाएगा लेकिन प्रॉफिट तो उतना ही बनेगा ना क्योंकि उसने प्रॉफिट कम कर दिया लेकिन नुकसान किसका होगा साथ वाले का तो ये एथिक्स में आती हैं ये चीज़ें वो जो बंदा है ही केन नॉट अफोर्ड टू पुट देट मच डिस्काउंट ऑन दोज आइटम्स तो एथिक्स में क्या आता है कि वो जितने दूसरे बंदे की पहुंच है अगर तो वो एक मार्केट पे बैठा हुआ है तो वो उस पहुंच से ज़्यादा आगे बढ़कर वो चीज़ नहीं करेगा कि वो दूसरे के लिए नुकसान का बायस बने सो ये चीज़ें जो है एथिक्स में आती हैं आपको इन रूल्स का पता होना एथिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फिर आ जाता है हमारे पास एथिक्स के साथ ही सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी की जब बात आती है इट मीन्स इको फ्रेंडली सस्टेनेबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट जैसे आप अगर रिटेल में हो अभी पिछले दोनों बहुत हमारे मार्केट में हुआ था कि हम प्लास्टिक का शॉपर बैन हो गया था ये आता है सस्टेनेबिलिटी पे रिटेल सस्टेनेबिलिटी में ये चीज़ आती है वो क्यों आती है कि जी आप सेल हो आपका चीज़ वही है सारा कुछ वही रहेगा बस एक तरीका चेंज करने की वजह से हमारे इन्वामेंट पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है कि आपका जो वेस्ट है प्लास्टिक वेस्टेज जो है वो कम हो रही है तो उसके लिए पेपर बैग्स यूज करना शुरू किए क्लॉथ बैग्स यूज करना शुरू किए या फिर लोग खुद से लेके आ रहे थे बड़े बड़े बैग्स तो उस चीज़ से बचत तो भी हो रही है एक चीज़ की एक तो क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है वो रीयूजबल है और वो वेस्ट भी नहीं है उसमें मतलब वो ऑर्गेनिकली डिस्पोज हो सकता है कपड़ा ये जो चीज़ आ जाती है ये इको फ्रेंडली में और सस्टेनेबिलिटी में आ जाती है तो इसके हवाले से भी और भी बड़े रूल्स होते हैं जो आपको इस चीज़ में बताए जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स बिजनेस मैनेजमेंट येस तो बिजनेस मैनेजमेंट जो है ये बिजनेस और मैनेजमेंट कोर्सेज दो अलग अलग भी होते हैं तो इसमें आप ऑब्वियसली जो रिटेल और होलसेल uh, है इट्स अ बिजनेस जस्ट आई जस्ट एज आई सेड बिफोर तो उसमें ही होता है आपको इन चीज़ों की भी नॉलेज होना उनके बेसिक्स क्लियर होना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी के बिजनेस के लिए कोई काम करने जा रहे हो कोई सर्विस देने जा रहे हो तो आपको उस चीज़ की बेसिक्स पहले ख़ुद उन उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सो आई होप आपको कुछ हद तक समझ आई होगी मैं बड़ा सीरियस होकर इस टॉपिक पर जा रही थी क्योंकि आई वॉज होपिंग कि मैं हर पॉइंट क्लियर भी कर दूँ लेकिन इस तरह से क्लियर करूँ कि वो वाकई समझ आ जाए जा, बहुत मुश्किल ना लगे तो ये हमने बात की थी मर्चेंडाइजिंग की सुनने में बहुत हमने सुना है मर्चेंडाइज वर्ड लेकिन व्हाट इट एक्चुअली मीन्स वो हमने आपको अभी इसमें बताना था बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कि ये कोर्स करवा रहे हैं पीयू में हो रहा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन में हो रहा है और फिर एशियन यूनिवर्सिटी में हो रहा है कराची यूनिवर्सिटी में हो रहा है फिर हमारे पास इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो आप अपने एरिया के करीब देखो कि जहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है पढ़ाते हों जहाँ पे इसकी डिग्री देते हों या फिर डिप्लोमा देते हों और वो आप चूज़ कर सकते हो और अगर आप में ये स्किल्स हैं कम्युनिकेशन का स्किल है और मैथ का स्किल है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपकी अच्छी है दिन यू कैन डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल मर्चेंडाइजर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बी वन या फिर कोई भी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हो एंड आई होप कि आपको कुछ नॉलेज इसमें मिली होगी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी टिल नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे आई होप कि आप लाइक like भी करेंगे शेयर भी करेंगे एंड डोंट फोरगेट टू कामेंट अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो एनी थिंग सो थैंक यू सो मच टिल नेक्स्ट वीडियो अला हाफ बाय